फिल्म की शुरुआत होती है 25 साल पहले हुई एक ट्रेजेडी की खबर के साथ। अमेरिका के शहर नोक्सविल में एक 17 साल के लड़के ने नोक्सविल यूनिवर्सिटी में घुसकर ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी। इस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। आज 25 सालों बाद ब्रूस कोकबर्न अपने घर से 14 मील दूर फोन बूथ पर पहुंचता है और एक नंबर डायल करता है। दरअसल ब्रूस पेशे से राइटर है और उसकी किताब द इन्फर्नल मशीन यानी शैतानी मशीन ने लाखों लोगों को उसका फैन बना दिया था। कोई विलियम डुकेन नाम का फैन कई दिनों से ब्रूस का पीछा कर रहा होता है और चाहता है कि ब्रूस अपनी बुक का अगला पार्ट लिखे, लेकिन ब्रूस साफ साफ मना कर देता है। पर अपने घर पहुंचते ही उसे एक और लेटर मिलता है और ये लेटर भी डुकेन का ही होता है। इस बार डुकेन ने टाइपराइटर का इंक भेजा होता है, पर ब्रूस फिर से फोन बूथ पर जाकर उसे बुक लिखने से मना कर देता है और साथ ही कहता है कि अगर दोबारा मेरे घर पर कोई आया ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। लेकिन डुकेंट अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। वापस घर आते वक्त एक गाड़ी उसके पीछे लग जाती है और ब्रूस गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है, पर वो कार आगे निकल जाती है। ब्रूस शहर से बहुत दूर एक घर में रहता है जहां उसके कोई पड़ोसी नहीं है, इसीलिए ब्रूस टाइम पास के लिए एक डॉगी खरीद लेता है। अगले दिन फिर कोई आदमी लेटर लेकर आता है, पर ब्रूस कहता है कि उस लेटर को डस्टबिन में फेंक दो। ब्रूस अपने एजेंट से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में किस किस को बताया है, लेकिन एजेंट कहता है कि मैंने तुम्हारे कहे मुताबिक किसी को भी तुम्हारे ठिकाने के बारे में नहीं बताया है। वैसे तुम्हारी बुक की 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है और पब्लिशर चाहते हैं कि तुम कुछ लिखो और शायद इसीलिए तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही हो। ब्रूस कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। पर धीरे धीरे ब्रूस के पास बहुत सारे लेटर आ चुके होते हैं। अब तो रात में भी लेटर्स आने लगते हैं। इन सबसे परेशान होकर ब्रूस नशे की हालत में वापस फोन बूथ पर जाता है और डुकेन को लेटर्स ना भेजने की धमकी देता है। ब्रूस ने इतनी ज्यादा पी रखी होती है कि वो वहीं पर गिर जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो एक लेडी ऑफिसर हगिंस उसके पास आती है और वापस घर छोड़ने को कहती है। रास्ते में जब हगिंस को पता चलता है कि ब्रूस ही द इन्फर्नल मशीन का राइटर है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो ब्रूस को अप्रिशिएट करती है, पर अचानक रेडियो से एक जर्मन वर्ड सुनाई देने लगता है जिसे सुनकर ब्रूस को अजीब लगता है। हगिंस रेडियो बंद कर देती है और जल्द ही ब्रूस का घर आ जाता है। ब्रूस घर पहुंचने के बाद अपने फैंस के लिए कुछ शब्द लिखते लिखते अपने पास्ट को याद करता है। ब्रूस उन दिनों को याद करता है जब वो एक टीचर था। वो अपने एक खास स्टूडेंट एलाइजा को भी याद करता है जिसे वो अकेले में भी समझाया करता था। थैंक यू लेटर लिखने के बाद ब्रूस फोन बूथ पर जाता है और डुकेन को बताता है कि मैंने अपने फैंस के लिए चंद शब्द लिखे हैं, पर मैं सेकेंड पार्ट नहीं लिखना चाहता। ब्रूस नशे में होता है इसीलिए उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती है। अब ब्रूस डुकेन को एक मुलाकात के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, पर वहाँ उससे मिलने कोई नहीं आता। ब्रूस वापस डुकेन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, पर ब्रूस का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो जाके लेटर बॉक्स चेक करता है तो उसमें भी कोई लेटर नहीं मिलता। अब ये देखकर ब्रूस समझ जाता है कि डुकेंट अपनी बुक लिखवाने की जिद से पीछे हट चुका है, लेकिन इस बार उसे अपनी कार में एक लेटर मिलता है और वो समझ ही नहीं पाता कि ऐसा कौन कर सकता है। वो जाके लेटर बॉक्स चेक करता है तो उसमें भी कोई लेटर नहीं मिलता। ब्रूस जाकर लेटर डिलीवरी सर्विस में पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ उनके रिकॉर्ड में ऐसे कोई लेटर्स होते ही नहीं है जो उनकी कंपनी ने डिलीवर किए हो। साथ ही वो लोग अपनी गाड़ी भी दिखाते हैं। ब्रूस के लेटर तो रेड कलर की गाड़ियों में आते हैं, पर ये गाड़ियाँ तो उनसे बिल्कुल अलग है। ब्रूस तुरंत उन लेटर्स को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं उसकी मुलाकात लेडी ऑफिसर हगिंस से होती है जिसे वो अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। हगिंस कहती है कि अभी तो मैं अपनी बेटी के साथ हॉलीडे मना रही हूँ, पर मैं उस रेड कार को ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। ब्रूस अब इंटरनेट पर विलियम डुकेन नाम के लोगों को ढूंढता है, पर इस नाम का कोई आदमी ही नहीं होता। जब वो लेटर भेजने वाले का एड्रेस सर्च करता है तो उसे एक ऐसे घर का पता मिलता है जो सालों पहले आंख की चपेट में आ गया था। ये घर उसी लड़के का होता है जिसने नोक्सविल यूनिवर्सिटी में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस लड़के का नाम ड्वाइट टफर्ड होता है और अब ये जेल में अपनी सजा काट रहा होता है। दरअसल ड्वाइट ने यूनिवर्सिटी में इसलिए फायरिंग की थी क्योंकि वो ब्रूस की बुक
द इन्फर्नल मशीन से इंस्पायर हो गया था और इसी घटना के बाद तो ब्रूस लोगों से दूर रहने लगा और उसने लिखना भी बंद कर दिया। अब ब्रूस जब वापस घर जा रहा होता है तो वो गुस्से में अपनी बुक को सड़क के किनारे फेंक देता है। वो सारे लेटर्स को आग लगा देता है और विलियम डुकेंट से बात करने के लिए फोन बूथ पर पहुंचता है। ब्रूस उसे जी भर के गालियां देता है और फिर अपने घर जाने के लिए कार में बैठता है। तभी उसे पास के मकान से डॉग की आवाज आती है और वो अंदर चला जाता है। अंदर उसे लेटर डिलीवरी वाली रेड कार दिखाई देती है और साथ ही एक मैप दिखता है। ये मैप नॉक्सविल यूनिवर्सिटी का होता है और इसमें फायरिंग वाले सीन को दिखाया गया होता है। दूसरे रूम में जाता है तो उसे वो रिकॉर्डर मिलता है जिसमें उसकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड की गई होती है। ब्रूस की हालत खराब हो जाती है और वो बाहर की तरफ भागता है, पर तभी उसे दीवार पर कुछ पेज दिखाई देते हैं। ये पेज उसी बुक के होते हैं जो उसने सड़क के किनारे फेंका था। ये सब देखकर ब्रूस की हवा टाइट हो जाती है। अगले दिन ब्रूस ऑफिसर हगिंस को लेकर वहाँ आता है और उसे सब कुछ दिखाता है। वहीं उन दोनों को एक पुराने टीवी में चल रहा रिकॉर्डिंग दिखाई देता है। ये रिकॉर्डिंग ड्वाइट की होती है। ड्वाइट कोर्ट रूम में बैठा होता है और उससे नॉक्सविल यूनिवर्सिटी में किए गए मर्डर्स के बारे में पूछा जा रहा होता है। ड्वाइट कहता है कि मैंने ये खुद नहीं किया है, बल्कि ब्रूस की बुक द इन्फर्नल मशीन ने मुझसे ये सब करवाया है। हगिंस ध्यान से देखने के बाद ब्रूस को बताती है कि इस टेप रिकॉर्डर में सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि ड्वाइट की बातों को भी रिकॉर्ड किया गया है। ये सब सुनने के बाद ब्रूस उस दिन को याद करता है जब वो अपने खास स्टूडेंट एलाइजा से मिलने गया था और उसने खुद को आग लगा ली थी। ब्रूस अब इस मैटर की सच्चाई जानने की ठान लेता है और अपनी पहचान छुपाकर ड्वाइट से मिलने जाता है। ब्रूस उससे पूछता है कि विलियम डुकेंट ने तुमसे किस लिए कॉन्टेक्ट किया था, जिस पर ड्वाइट पूछता है कि क्या तुमने रेडियो पर जर्मन वर्ड सुने हैं? क्या तुम्हें पता है कि कोल्ड वॉर के दौरान जर्मन कोड वर्ड में अपना मैसेज पहुंचा देते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था? ब्रूस फिर से पूछता है कि डुकेंट तुमसे क्या बातें करता था। ड्वाइट बताता है कि वो मुझसे कुछ सलाह लेना चाहता था। उसने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे भी बुक पढ़ने के बाद वैसा ही फील हुआ था जैसा उसे फील हुआ था। और हाँ, डुकेंट ने मुझे ये भी कहा था कि एक दिन उस बुक का राइटर तुमसे मिलने आएगा। अचानक ड्वाइट का माइंड क्लिक करता है कि मेरे सामने बैठा यह शख्स कोई और आदमी नहीं बल्कि द इन्फर्नल मशीन का राइटर ब्रूस कोकबर्न है। ड्वाइट अपना आपा खो देता है और ऑफिसर्स उसे किसी तरह वापस उसके सेल में ले जाते हैं। ब्रूस समझ जाता है कि कुछ न कुछ खतरनाक होने वाला है। ब्रूस वापस फोन बूथ के पास वाले मकान में जाता है, पर उसे इस बार वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो हगिंस से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये फोन नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ब्रूस तुरंत ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अपने घर के पास उसे एक पार्सल मिलता है जो उसके एजेंट ने भेजी होती है। ब्रूस फोन को ऑन करता है और अपने एजेंट से बात करता है। एजेंट उसे कहता है कि आपकी नई बुक बहुत अच्छी है। ब्रूस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने तो कोई बुक लिखी ही नहीं थी। ब्रूस अपने एजेंट से वो बुक फेक्स करवाता है और उसे पढ़ने लगता है। ये बुक कुछ और नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट से ब्रूस की जिंदगी में होने वाले इंसिडेंट्स का स्क्रिप्ट होता है। जो जो ब्रूस के साथ होता है, चाहे वो विलियम डुकेंट के लेटर्स हो, फेक लेडी ऑफिसर हो या ब्रूस का 14 मील दूर फोन बूथ पर जाकर रिप्लाई करना हो, सब कुछ उस बुक में लिखा होता है और एंड के फेक्स में बिल्कुल वही बातें होती हैं जो अभी उसने अपने एजेंट से की होती है। विलियम तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है भाई। रात को जब वो अपने डॉगी को सहला रहा होता है तब उसे डॉगी के पट्टे से एक माइक्रोफोन मिलता है। ब्रूस समझ जाता है कि इसी माइक्रोफोन के जरिए मेरी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ब्रूस डुकेंट के पास फोन करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी पर एक कहानी लिख रहे हो, पर मैं तुम्हारी किताब को एक अच्छी एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तभी फोन से जर्मन वर्ड सुनाई देते हैं और पहली बार डुकेंट बोलता है कि तुम मुझे एक अच्छी एंडिंग किसी भी हालत में दोगे। अगली सुबह ब्रूस से मिलने कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और ब्रूस उन्हें भी फेक ऑफिसर समझने लगता है। वो ब्रूस को ये बताकर चले जाते हैं कि आपसे मिलने के बाद ड्वाइट जेल से फरार हो गया है। ब्रूस को लगने लग जाता है कि ड्वाइट का अगला शिकार वो खुद है। ब्रूस टीवी पर न्यूज सुन रहा होता है और न्यूज में उन 13 लोगों को दिखाया जा रहा होता है जिनकी जान ड्वाइट ने ली थी। टीवी देखते देखते ब्रूस को कुछ स्ट्रेंज लगने लगता है और फिर वो देखता है कि अगर सभी मरे हुए लोगों के पहले अल्फाबेट को निकाल कर एक नाम बनाया जाए तो वो होगा विलियम डुकेंट। ये जानकर ब्रूस की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है।
ब्रूस अब हगिंस की सच्चाई जानने की सोचता है क्योंकि उसे ड्वाइट और डुकेन की सच्चाई पता चल गई होती है। वो हगिंस की बेटी का पीछा करता है। वो किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। ब्रूस एक औरत से इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि हाल ही में इस लड़की ने किसी पुलिस ऑफिसर की बेटी का रोल किया था। यानी डुकेंट मेरे ऊपर एक फिल्म बना रहा है और मैं जिनसे भी मिलता हूँ वो उसकी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं। धीरे धीरे सारे तार जोड़कर ब्रूस आखिरकार हगिंस तक पहुंच जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। हगिंस बताती है कि ये सब करने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे। हगिंस अचानक पास में रखे ग्लास को बजाती है और रेस्टोरेंट में बिल्कुल वही सब कुछ होने लगता है जो सब ब्रूस के एंटर होने पर हुआ था। यानी ये सब भी ब्रूस पर बन रहे फिल्म के कैरेक्टर्स होते हैं। हगिंस कहती है कि जल्द ही तुम्हारी मुलाकात विलियम डुकेंट से होगी और वो वहाँ से चली जाती है। ब्रूस वहाँ से उठकर अपने घर आ जाता है पर यहाँ भी उसके साथ अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। ड्वाइट उसकी गन से उस पर फायरिंग करने लगता है। ब्रूस के डोगी को गोली लग जाती है। ब्रूस उस पर अटैक करता है पर ड्वाइट ब्रूस को गिराकर उसकी बुक पढ़ने लगता है। ब्रूस पास में पड़ी लकड़ी उठाकर ड्वाइट के गले पर मार देता है और खुद को छुड़ा लेता है। अब ब्रूस ड्वाइट की तरफ बंदूक तान देता है पर ड्वाइट पूछता है कि तुमने उस बुक को किस मकसद से लिखा था। ब्रूस कहता है कि मैंने वो बुक नहीं लिखी और ड्वाइट को गोली मार देता है। ब्रूस अपने डॉगी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और उसे वो पल याद आता है जब एक परेशान माता पिता ने उसे फोन किया था। वो कह रहे थे कि हम अपने बच्चे एलाइजा को जान से मार देंगे क्योंकि हम उसे इस हालत में नहीं देख सकते। इसके बाद ब्रूस डॉगी को लेकर घर की तरफ निकलता है। रास्ते में रेडियो टावर से उसे जर्मन वर्ड सुनाई देते हैं और वो टावर के पास चला जाता है। एंटर करते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका शरीर बहुत ही डरावना होता है। दरअसल ये ब्रूस का खास स्टूडेंट एलाइजा होता है जिसने खुद को आग लगा ली थी पर इस हादसे के बाद उसकी मौत नहीं हुई बल्कि वो बेकार हो गया। एलाइजा बात करते करते एक बटन दबाता है और एक सेटअप चालू हो जाता है। ब्रूस अब जान चुका था कि एलाइजा ही उसकी जिंदगी से खेल रहा था। ब्रूस गुस्से में ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है। ब्रूस को वहाँ वो स्क्रिप्ट मिलती है जो अगली बुक बनने वाली होती है। ब्रूस कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे दर्द को नहीं देख पाए और तुम्हें गॉड के पास भेज दिया। एलाइजा कहता है कि हाँ मैं मरा था, मैंने मरने के बाद भी कुछ टाइम स्पेंड किया पर मुझे उस दौरान कोई नहीं दिखा। हम सब गॉड के लिए सिर्फ चींटियां हैं और वो हमसे खेलता है। ब्रूस ये सब बातें सुनकर निराश हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एलाइजा पूछता है कि तुमने हॉस्पिटल वाले लेटर में क्या लिखा है, जिस पर ब्रूस कहता है कि मैंने सिर्फ सच लिखा है और मैं इसे अपने एजेंट को पोस्ट करने जा रहा हूँ। एलाइजा ने बटन दबाकर जो सेटअप चालू किया होता है वो असल में एक ऐसा सेटअप होता है जिसके रुकते ही माउस का बटन दबता है और एक स्क्रिप्ट पब्लिशर्स को सेंड हो जाती है। ये स्क्रिप्ट ब्रूस के लाइफ की स्क्रिप्ट थी जो एलाइजा लिख रहा था पर इसका राइटर भी उसने ब्रूस को ही बताया। सेंड क्लिक होते ही फायर ऑन हो जाता है और टावर में धमाका होता है। धमाके में एलाइजा की मौत हो जाती है और ब्रूस बुरी तरह से घायल हो जाता है। ब्रूस अपने टीचिंग के दिनों में बहुत सारी बुक्स लिखता था और पब्लिशर्स को सेंड भी करता था लेकिन वो हर बार रिजेक्ट हो जाता था। एलाइजा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था लेकिन वो अपनी बुक की एंडिंग के बारे में नहीं सोच पा रहा था। ब्रूस उसे गहराई में जाकर सोचने को कहता था पर एलाइजा अपनी बुक की एंडिंग नहीं लिख पा रहा था। ऐसे ही एक बार ब्रूस उसे समझाने गया लेकिन उस दिन एलाइजा ने कहा कि अब मैं आखिरी गहराई में जाने वाला हूँ, मैं गॉड से मिलने जा रहा हूँ और उसने खुद को आग लगा ली। जब एलाइजा के पेरेंट्स ने एलाइजा को जान से मारने की बात कही तो ब्रूस के दिमाग में आइडिया आया और उसने एलाइजा की मौत को एंडिंग बना दिया। उसने पब्लिशर्स को ये बुक भेज दी और खुद को इसका राइटर बता दिया। बुक पब्लिशर्स को पसंद आई और लोगों ने भी बुक को बहुत पसंद किया पर उसे नहीं पता था कि ये बुक इतनी पावरफुल होगी कि ड्वाइट इसे पढ़कर 13 लोगों की जान ले लेगा। यही धोखा था जो ब्रूस को रातों में डराया करता था। अब ब्रूस रेंगते हुए वो लेटर जो उसने हॉस्पिटल में लिखा था उसे पोस्ट कर देता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने द इन्फर्नल मशीन बुक नहीं लिखी बल्कि मेरे स्टूडेंट एलाइजा ने लिखी है। पर एलाइजा ने स्क्रिप्ट पब्लिशर्स को सेंड कर दी है यानी वो शैतानी मशीन वापस से जिंदा हो गई है।